हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और मेरा भाई जा रहे हैं कुदाल फाड़ने, ये पूरा एरिया साफ करने, ठीक है? चलो सुबह सुबह पूरा मेहनत करना है। जब भी घर बनाते हैं ना तो हमें लगता है कितनी जल्दी घर बन जाए, सब साफ सुथरा हो जाए, एकदम सुंदर सा दिखने लगे, लेकिन इतनी जल्दी रियलिटी में तो होता नहीं है। तो हमारा भी ऐसा ही हाल था, बाहर बहुत कुछ बिखरा पड़ा था और हमें बहुत टाइम से लग रहा था कब सफाई हो कब सफाई हो, लेकिन काम रुकता है फिर स्टार्ट हो जाता है, रुकता है फिर स्टार्ट हो जाता है, इस चक्कर में सब फैला हुआ ही रह जा रहा है। आज हम दोनों ने सोचा कि जितना हो सके उतना सफाई करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो पाइप बिछा हुआ है वो समेटा हम लोगों ने, जिससे कि मतलब सप्लाई का पानी वगैरह पापा भर रहे थे सुबह में, तो उसको हटाया, फिर बोरियां हटाई, टाइम लैप्स कर दिया वीडियो को, और इतनी जल्दी जल्दी फास्ट जो काम हो रहा है ना, बड़ा मजा आ रहा देखने में अभी। बट उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कैसे करे, कहाँ से क्या करे, लेकिन फिर स्टार्ट करा तो करते करते धीरे धीरे हो ही गया। उसके बाद भाई ने उठाई झाड़ू, जो कि मतलब ऊपर ऊपर वो ले रहा था, मैंने बोला कि तुमसे साफ नहीं होने वाला ये मैं करूंगी, तो फिर उसके बाद फिर उसे छुड़ा दिया वो। फिर इधर साइड में ईंटें वगैरह रखी थी, मतलब उसको थोड़ा साइड किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब ऊंचा नीचा सा हो रखा था मोटर के पास, मिट्टी जो है कहीं ऊंची कहीं नीची, बहुत ज्यादा ही गैप था, तो मैंने सोचा वही कुदाल से हल्का हल्का लेकर के इसको बराबर कर लूं। इतना तो ऑब्वियसली हम लोग से नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पा रहा था कर रही थी। और यहाँ पे है ना कि फ्री मतलब मायके में उतना स्ट्रेस कुछ होता नहीं है कि बाबू रो रही या कुछ भी, और अभी वैसे भी वो सो रही थी, सुबह सुबह का टाइम था, सुबह ही हम लोग यहाँ पे करने के लिए आ गए थे। ऊपर मम्मी अपना देख रही थी उसे, और यहाँ पर वीडियो मैंने ना नीचे रख करके शूट किया है, फोन को नीचे रख दिया, बड़ा सुंदर सा लग रहा था व्यू। यहाँ पर फिर हम लोगों ने मजबूत बोरी वहीं पर से देख करके उठाई, और एक में टूटे फूटे टाइल्स रखे और थोड़े टूटे फूटे मार्बल्स वगैरह रख करके साइड किया, क्योंकि ये भी बिखरा पड़ा था इधर उधर, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक क्लीन लगेगा नहीं। और इतना करते करते ही लेबर भी आ गए, जो काम करने के लिए आए थे, ग्रेनाइट वगैरह कटिंग करना था उनको, तो वो भी आ गए थे। और अब साथ साथ मेरी मैडम भी उठ गई, अब उठने के बाद ये मुझे साथ में लेकर जाना चाह रही थी, अब ये काम नहीं करने देगी ऑब्वियस सी बात है। और बगल में ग्रेनाइट का जो मतलब स्टेयर्स वगैरह का कटिंग हुआ था, उस पे मतलब पत्थर को चिपकाने का काम चल रहा था, तो ऑब्वियसली ये काम हो रहा है, बिजली का काम हो रहा है, तो यहाँ पे बाबू को रखना भी सेफ नहीं है, तो उसको ऊपर लेकर के जाना ही है, यहाँ पे वो रह नहीं सकती अभी, तो मेरे बिना हो जाएगी नहीं, तो मैं तो चली गई थी ऊपर को। और इधर भाई जो है वो रस्सी से यहाँ कुछ नाप रहा था, मुझे क्या नाप रहा है। शानवी तो खैर मुझे लेकर ऊपर चली ही गई, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मतलब मुझे मजा आता है ये काम करने में, इन चीजों को करने में, तो ऊपर की खिड़की से देख रही थी, तो वो क्यारी बना रहा है, जो थोड़े टूटे टूटे वाले ईंटे थे ना इधर उधर, उनसे वो क्यारियां बना रहा था। फिर उसके बाद दोबारा शानवी को वहां पे नानी के पास रख करके फिर उसके बाद फिर नीचे जा करके देखा, तो काफी अच्छा बना रहा था। और इससे क्या होता ना कि ये ईंटे जो है ये भी समट गए इसमें, और यहाँ पे पौधे लग जाएंगे तो फिर वो अच्छा लगने लगेगा देखने में। पर हमारी माता जी ने चूल्हा रखा था जिसको हटाना बिल्कुल मना था, नहीं हटा सकते थे उसे, वहीं छोड़ रखा था हम लोगों ने कि टूट फूट गया तो बेकार में। फिर तो फिर उसके बाद फिर मैं उसकी हेल्प करने लगी, इधर साफ सफाई करने लगी उधर साइड को, और मम्मी यहाँ पपीते के बीज डालने लगी, जो कि अब तक मतलब इसका पेड़ नहीं निकला, पता नहीं निकलेगा अभी कि नहीं निकलेगा, अब क्या निकलेगा, क्योंकि हो गया काफी टाइम हो गया, दिसंबर का ही वीडियो है ये जो कि मैं अब एडिट कर रही हूँ। और धनिया लगाया था तो धनिया तो खैर होकर के उसका फिर से धनिया बन गया, मतलब पौधा होकर के फिर धनिया हो गया उसमें, और अब जाकर के मैं इसे आप लोगों के सामने ला रही हूँ इस वीडियो को। हाँ तो वो राइट लेफ्ट नहीं किए होंगे आप लोग, अब लगाने जाना पड़ेगा हमको। यहाँ ईटा ले लेकर के जा रहा है, इतनी मेहनत से वो बना रहा है क्यारी, गुड बॉय, ऐसा बेटा घर में होना चाहिए। और देखिए मेरी मम्मी को ये लगा दी पपीता, मेरी प्यारी मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी बस ब्लॉग के लिए मम्मी पापा ने बाल्टी में पानी भरा है, ये ड्रम में भी, क्योंकि काम हो रहा है अभी, ये भैया टाइल चिपका रहे हैं। और भाई आपको क्यारी बनाते हुए कैसा महसूस हो रहा है बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं क्यारी बनाते हुए, प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, ब्लॉग है, ब्लॉग में से नहीं बोलते हैं।
मेरे घर में ब्लॉग नहीं हो सकता, सब उल्टा पुल्टा बोलता है। ये तो छेड़छाड़ थी जो हम लोग एक दूसरे से करते रहते हैं। और खेत में देखिए, यहाँ पे खेत जोता जा रहा है ट्रैक्टर से, धान की फसल हो चुकी है, अब इसमें चने लगाए जाएंगे, तो उसी के लिए खेत को जोता जा रहा है। और जब से S23 लिया ना, मैं यही करती रहती हूँ, जूम करती हूँ, जूम आउट करती हूँ, जूम इन करती रहती हूँ, मतलब 10 गुना 20 गुना 100 गुना तक कि मतलब क्वालिटी कैसी है नहीं है, यही देखती रहती हूँ। और ना मुझे मज़ा आता है, शायद आप लोगों को भी आता होगा ये चीज़ें देखने में, खेत खेत में जो ये सब काम होता रहता है, ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग को देखने तो मिलता नहीं है ये सब चीज़ बाहर में रहो, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है देखने में। वैसे मिट्टी मिट्टी मुझे बहुत पसंद है, मिट्टी से खेलना, ये सब मिट्टी मिट्टी करना बहुत पसंद है अभी तक मुझे। और ये देखिए बकरी कितनी दूर है, और वहाँ से मैंने लिया है इसको, आपको भी दिखा रही हूँ इसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, ये देखिए है ना कितनी दूर है, लेकिन बहुत क्लियर आता है तो अच्छा लगता है। और हम लोग बाद में घर पे भी यही कर रहे थे, मतलब स्किन को क्लोजअप से देख रहे थे कितनी अच्छी क्वालिटी। नीचे की सफाई थोड़ा बहुत जो भी किया करने के बाद, फिर ऊपर आए हम लोग दोपहर में, तो किचन में टाइल्स का काम खत्म हो चुका था, तो उसकी क्लीनिंग करनी थी, तभी फिर उसमें किचन हमारा फिर से सेट होता और तरीके से हम लोग खाना बना पाते। अभी देखिए कैसे फैला हुआ है बाहर, समोसा कैसे भूल गए हम लोग। तो मम्मी और भाई का ये लगा रहता है, ये लोग ऐसे ही हंसते बोलते रहते हैं। और उसके बाद मैं चली गई समोसा निकाल करके सबको सर्व करने के लिए। और यहाँ के समोसे में ना छोले वगैरह भी साथ में दिया जाता है, जो कि मुझे यहाँ यूपी में मतलब नहीं दिखता, छोले अगर देंगे ना तो अलग से चार्ज करते हैं यहाँ पे, तभी देते हैं, अदरवाइज मतलब समोसा ही मिलता है सिर्फ 10 का, तो वहाँ काफी मतलब कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है हमारे घर के पास में ही। अब इसके बाद हम लोग लग गए हैं सफाई में, जो करना था मुझे बीच में रुक गया था, तो यहाँ पे काफी धूल धूल सा हो रखा था, बाकी तो और कुछ गंदगी ऑब्वियसली नहीं थी, घर नया ही है और टाइल्स भी नए ही लगे अभी, तो बस धूल धूल जो था वही साफ करना था, तो कपड़े और पानी से गीला करके इसके ऊपर चढ़कर मैं साफ कर रही थी, और बीच में डर भी लग रहा था कि स्लिप की अगर गिरी तो फिर क्या होगा, ऐसे ही इतना वजन हो रखा है, टूटा फूटा तो फिर तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और इसमें मेरा भाई मेरी हेल्प कर रहा था, वीडियो भी शूट कर दे रहा था और पानी लाला करके दे रहा था, मुझे उतरना नहीं पड़ रहा था, बार बार उतरना लाना पानी फिर पोंछना बहुत मुश्किल हो जाता, तो वो मेरी हेल्प कर दे रहा था। और ये करते करते हमें ना रात हो गई थी। ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ना, जो पहले हमारे यहाँ टाइल्स लगा रहे थे उन्होंने बड़ी बदमाशी करी, पीछे का एरिया खाली छोड़ के चले गए थे, तो हम लोगों ने जो बचा हुआ टाइल्स था वो वहाँ सेट कराया और काफी अच्छा डिजाइन निकल के आ गया वहाँ पे, तो अच्छा है बुरा मतलब होते होते अच्छा ही हो गया हमारा। अब यहाँ पे सारा काम खत्म होने के बाद हम लोगों ने गैस वगैरह लगाया और पराठा बनाया, तो यही हमारा रात का डिनर रहा। तो बस इसके बाद हम लोग चले गए सोने के लिए, और सामने घर के सामने ही शादी हो रही थी तो उसका थोड़ा सा क्लिप ले लिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।